जब आप मुसल्ला फौज का हिस्सा बनते हैं, चूंकि ये जो फौजी जिंदगी है, एक सिपाही की जो जिंदगी है, ये बेस्ड है अब नॉर्मेलिटीज पे। आप अक्सर कहते हैं ना, आपको आपको कहा जाता है कि जी मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ। यस, पाकिस्तान को हर बंदा सर्व कर रहा है, पाकिस्तान को टीचर्स भी सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को वकील भी सर्व कर रहे हैं, डॉक्टर भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन फौजी मुख्तलिफ तरीके से सर्व कर रहे हैं। फौजी क्यों मुख्तलिफ तरीके से सर्व कर रहा है? वो इस तरह सर्व कर रहा है, वो जंगलों में, सहराओं में, आबादियों से दूर, उसने सिर्फ मौसम से नहीं लड़ना, उसने उस हालात से भी लड़ना है, उसने उस दुश्मन से भी लड़ना है। और आजकल तो सारी गुरीला वारफेयर है, इस गुरीला वारफेयर में एनिमी का पता ही नहीं कहाँ से कोई आ जाए, डिफाइंड नहीं है, कोई कहीं से भी आ जाता है। फिर यही जो सिपाही हमारा, जब वो जंगलों में, सहराओं में, सियाचिन पे और रेगिस्तानों में अपनी खानदान से दूर बैठा होता है, तो जब हमारे जो ये जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं या जो लिबरल्स बने हुए हैं, ये पाकिस्तानी फौज पे जब तनकीद करते हैं, तो ये अपनी आँख से तनकीद नहीं करते, ये इसराइल की बात, इसराइल की आँख से, अमेरिका की आँख से, बरतानिया की आँख से, इंडिया की आँख से बात करते हैं। आप तनकीद करें, अपनी आँख से करें। मैं इसीलिए तो जब वो जो हमारा सोल्जर है, जब ये चीज़ देखता है तो वो परेशान होता है, वो परेशान होता है कि मैं अपने हमवतनों के लिए, अजीज़ हमवतनों के लिए इस मसाइल में पहुँचा हूँ, तो जब मैं इस मसले में इधर इनका डिफेंड कर रहा हूँ, दिन रात इनके लिए ड्यूटी कर रहा हूँ, जहाँ पे सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, जहाँ पे हार्श वेदर है, तन्हाई है, घर वालों से दूर हूँ, और कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि पूरी जाम मर्दी से देख रहा हूँ, तो उस वक्त जब ये सोचता है तो फिर उसके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्रिएट हो, दूसरा उसको ये थ्रेट होता है। तीसरा जो उसको थ्रेट है, उसको अपने भी मसाइल हैं। तो जब ये बात है, तो इसलिए जब प्रेशर की बात हम करते हैं, तो फौज के अंदर अब नॉर्मेलिटीज़ हैं, इसलिए जो फौजी सर्व कर रहा है वो दूसरे से बेहतर सर्व कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी जान, अपना सब कुछ मुल्क के लिए वक्फ कर दिया। एक डॉक्टर को कभी भी उस तरह के हंगामी हालात से वास्ता नहीं पड़ता, फौजी को हर वक्त हंगामी हालात से वास्ता पड़ता रहता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसको अपने हंगामी हालात से लड़ना है। तो इसीलिए जब आपकी सिलेक्शन की जाती है, मुसल्ला फौज का कोई हिस्सा बनाया जाता है, तो ये